सर्जिकल स्ट्राइक के 2 साल पूरे होने पर विकी कौशल स्टारर फिल्म उरी का टीजर जारी किया गया है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में यामी गौतम और परेश रावल भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। टीजर के बैकग्राउंड में परेश रावल का दमदार डायलॉग सुनाई दे रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के आज तक के इतिहास में हमने कभी भी किसी दूसरे मुल्क पर पहला वार नहीं किया है। 1974, 65, 71 और 99 यही मौका है उनके दिल में डर बैठाने का कि हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। ये नया हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। रानी स्क्रूवाला के प्रोडक्शन में बनी फिल्म अगले साल 11 जनवरी को रिलीज होगी। आपको बता दें कि 18 सितंबर 2016 में जम्मू कश्मीर के उड़ी बेस कैंप में हुए अटैक में देश के 19 जवान शहीद हुए थे। इस हमले के 11 दिन बाद आतंकियों को करारा जवाब देने के लिए हिंदुस्तान ने 29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसी बेस पर बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जल्दी रिलीज होगी। तेज न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट।